यूनिट टू नो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि Redmi Note 5 Pro और Asus ZenFone Max Pro दोनों में कौन सा फ़ोन बेहतर है नेटवर्क कैप्चरिंग के मामले में। दोस्तों ये टेस्ट करने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है जिसका नाम है नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोन में मैंने डाउनलोड किया है और इस दोनों ही फ़ोन को मैंने एक ही जगह पर रखा है। यहाँ पे मेरे पास दाएं हाथ पे ये मेरा Asus ZenFone Max Pro है और बाएं हाथ पे ये Redmi Note 5 Pro है। दोनों का फ़ोन में एक ही मैंने सिम कार्ड लगाया है वोडाफोन का। दोनों का फ़ोन में वोडाफोन का ही सिम है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे वोडाफोन का मैंने दोनों ही सिम पे ही वोडाफोन लगाया है और साथ ही साथ इस दोनों फ़ोन 4G सिम के साथ ही है और एक ही सिम एक ही जगह पर स्लॉट पर लगाया है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे कि किसका नेटवर्क स्ट्रेंथ कैप्चरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको बता दो पहले नेटवर्क का जो सिग्नल स्ट्रेंथ मापा जाता है उसके लिए बोलता है डेसिबल पर वाट, उसके लिए यूनिट होता है DBM, जिसका माइनस में जितना कम होगा DBM उसका नेटवर्क स्ट्रेंथ अच्छा है। तो मैं पहले दोनों फ़ोन में मैं ये एप्लीकेशन को लॉन्च करता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ क्या उसका मतलब क्या है। मैं दोनों एक ही साथ में लॉन्च करूँ यहाँ पर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये Redmi Note 5 Pro का, यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हो 107 दिखा रहा है। सेम जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हो 105 दिखा रहा है, ये आपका Asus का है। 105 106 के बीच में ये चेंज हो रहा है तो माइनस है, तो माइनस 106 DBM। तो आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे अभी देख सकते हो 105 हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 106, यहाँ पे 106 दिखा रहा है, 106 और 7 के बीच में, यहाँ पे भी 106 और 7 के बीच में यहाँ पे लैप कर रहा है। तो आपको बता देना चाहूँगा ये जो सिग्नल है जितना कम होगा, मतलब अगर -40 -50 होता है तो बेटर है। तो फिलहाल दोनों में ही यहाँ पे लो सिग्नल एरिया है मेरे घर पर। तो यहाँ पर देख रहा हो आप दोनों में ज़्यादा सा अंतर है, मतलब यहाँ पर 107 दिखा रहा है ये Asus में और सेम जगह पर आपको 110 दिखा रहा है Redmi Note 5 Pro में। अगर कम है रीडिंग तो अच्छा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे आपका विनर जो है ये आपका Asus ZenFone Max Pro है। लेकिन फ़िलहाल अभी देख पा रहे हो कि दोनों में ही बराबर का टक्कर चल रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि दोनों का जो है नेटवर्क स्ट्रेंथ कैप्चर का काफ़ी बेटर है, लगभग सेम है। अभी मैं दोनों को टेस्ट को अभी वाईफाई में करता हूँ, मेरे पास दोनों सेट में वाईफाई चालू है। अभी मैं वाईफाई का रीडिंग दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वाईफाई सेम डिस्टेंस पर रखा है यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई का जो आ रहा है रेंज आ रहा है यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में 37 दिखा रहा है और Asus पे भी 37 दिखा रहा है, मतलब दोनों में ही 37 से 40 हो गया, 38 हो गया, यहाँ पे कम हो रहा है। मतलब अगर आप देखा जाए तो Redmi Note 5 Pro यहाँ पे विनर है जो आपका वाईफाई का रेंज कैप्चर करने में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वाईफाई पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं वाईफाई पे सिलेक्ट है, तो उस हिसाब से जो है Redmi Note 5 Pro का जो नेटवर्क कैप्चरिंग पावर है, चाहे वो नेटवर्क से हो चाहे वाईफाई से हो, वो Asus ZenFone Max Pro से बेटर है। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो तो ये टेस्ट आपको हेल्प करेगा कि कौन सा फ़ोन से बेटर सिग्नल आएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए।